कैसे हैं आप लोग, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को राधे राधे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए आज के हम मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ऐसे ऐसे नई वीडियो को देखने के लिए, नई रेसिपी को ट्राई करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं। टेस्टी लजीज पोटैटो चिप्स बनकर तैयार हो चुका है, ट्विस्टर पोटैटो। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगा सबको। घर में इसमें बिना मशीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आराम से आप घर पे बना सकते हैं अपने। एकदम टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है, कितना ही क्रिस्पी आप देख सकते हैं, देखने में भी लग रहा है। पोटैटो ट्विस्टर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे आलू। तो हमने यहाँ पे बेबी पोटैटोज लिया है, जो एकदम छोटे वाले आलू होते हैं। उसे अच्छे से धुलकर हमने साफ़ कर लिया इस तरीके से। अब हम इसमें लगाएंगे स्टिक। तो मेरे पास ये छोटी वाली स्टिक है, हम इसको ही लगाएंगे। अगर आपके पास बड़ी वाली है तो आप इसको लगा सकते हैं इस तरीके से, अंदर इसके लगा लेना है। हम लोग के पास तो घर पे मशीन नहीं होती है, तो हम इसे हाथ से आप लोग को काट के दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे पोटैटोज के अंदर ये स्टिक डाल दी है। अब चलिए हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये वाले पोटैटो लिए हैं, इसको हमें इस तरीके से राउंड शेप में पतला पतला इसे कट करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो शेप है, इस तरीके से आपको राउंड शेप में पतला पतला पीस में, जैसे चिप्स वगैरह हमारी कटती है ना, उस तरीके से आपको ऐसे काट लेना है। अच्छे से राउंड शेप में ऐसे डायरेक्ट काटते जाना है सर्कल में, एकदम जैसे मशीन में बनता है वैसे एकदम बनकर ये तैयार होगा। आप घर पे इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। बस इसको काटने में थोड़ी दिक्कत लगती है, बट ये आराम से कट जाएगा अगर आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो बार। तो बस इसका ध्यान रखना, आपको ज़्यादा मोटा नहीं काटना है इसे, बस पतला ऐसे राउंड शेप में कट करते जाना है। आप देख सकते हैं इसे हमने काट लिया है। अब इस तरीके से हमें इसे फैला लेना है, इस तरीके से आपको प्रेस कर लेना है। और ये छोटा पड़ रहा है तो हम इसमें और एक स्टिक इधर से लगा लेंगे, क्योंकि मेरे पास बड़ी वाली नहीं है तो हम यहाँ पे छोटी वाली इस तरीके से लगा के और इसको अच्छे से इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे। ये इस तरीके से आपको प्रेस कर लेना है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इसको रोल रोल करके घुमा के हमें इसको फैला लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं एकदम मार्केट जैसा बन चुका है ना। तो इस तरीके से हमें सारे आलू को बना लेना है काट करके, उसके बाद फिर इन सबके बीच में फैला लेना है। इस तरीके से आपको स्पेस देके फैला लेना है। आप देख सकते हैं हमारा जो पोटैटो एकदम तैयार हो चुका है इस तरीके से। और अगर आपके पास स्टिक भी नहीं है, छोटी वाली ना बड़ी वाली, आप तो किसी वायर का, जो मोटा वायर होता है उसका इस्तेमाल करके इस तरीके से आप आलू के अंदर डाल के इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इसे बनाना बिल्कुल भी आसान है, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। तो हम इसको बना लें, अब चलते हैं इसकी कोटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे मैदा। तो यहाँ से दो से तीन टेबल स्पून हम मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे चावल का आटा, दो से तीन टेबल स्पून। वन टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर और चावल के आटे दोनों का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो सिर्फ चावल का आटा डाल सकते हैं। अगर चावल का आटा है तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। दोनों में से एक भी ऐड कर सकते हैं, दोनों भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब हम इसमें पानी डालकर इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे और इस तरीके से हमें इसे मिला लेना है पानी के साथ। इसका ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है, क्योंकि हमें आलू के ऊपर इसकी लेयर चढ़ानी है, तो इसे हमको हल्का मोटा ही रखना है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी डालकर
इसका एक थिक बैटर बना लेना है। आप देख सकते हैं हमारा जो है बैटर वो तैयार हो चुका है। तो हमको बस इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे और पतला नहीं करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं बस इतना ही गाढ़ा हमें इसका बैटर बनाना है। अब जो हमने ये पोटैटो काट करके रखा था इसके ऊपर इस तरीके से हमें लेयर लगानी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, जिसके इसके अंदर लेयर चली जाए और पूरा एक अच्छी सी लेयर पोटैटो के ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से हमें इसके ऊपर लगा लेना है। लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा इसका जो बैटर है उसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से लेयर बना लेना है इसकी, और एक्स्ट्रा वाला जो बैटर है उसको निकाल लेना है। तो हमारी अब लेयर बन चुकी है अच्छे से, और तेल भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब इसे चलते हैं फ्राई करने के लिए। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हम यहाँ पे आलू डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो इस तरीके से हमें डाल देना है सारे आलू को, इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है अच्छे से, गोल्डन क्रिस्प होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। इस तरीके से हम डाल देंगे सारे आलू को। आप देख सकते हैं ये गोल्डन क्रिस्प हो रहा है, और इसे हमने हाई फ्लेम पे पकाना है। तो एकदम हाई फ्लेम पे है, इस तरीके से हम इसे पलट देंगे। सावधानी से इसे आप पलट सकते हैं इस तरीके से। इसे अब गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आलू भी अच्छे से क्रिस्प हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको तेल को स्टेन करके निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है देखने में। तो हम इसका तेल एकदम टेस्टी लजीज पोटैटो चिप्स बनकर तैयार हो चुका है, ट्विस्टर पोटैटो। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगा सबको घर में। इसमें बिना मशीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आराम से आप घर पे बना सकते हैं अपने। एकदम टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है, कितना ही क्रिस्पी आप देख सकते हैं देखने में भी लग रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार घर पर। और अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके ऊपर से। हम थोड़े मसाले इसके ऊपर डालेंगे। तो हम थोड़ा सा मैगी मसाला, पेरी पेरी मसाला इसके ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालेंगे। इससे जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इसके ऊपर से इस तरीके से हम डाल देंगे। फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे चाट मसाला, इससे भी काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आएगा। चाट मसाला डालने के बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे मेयोनीज। तो अगर आप, मेरे पास तो सिंपल वाली मेयोनीज है, अगर आपके पास तंदूर वाली मेयोनीज है, जो मायो तंदूरी आती है, वो वाली आप इसके ऊपर डाल सकते हैं इस तरीके से। इसके ऊपर से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ऐसे नए वीडियोस के लिए बेल आइकन ऑन करके रखें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग।